लाइफस्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सेफ एंड साउंड होंगे। वैसे भी अब लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो गया है और हमें अपने घर में बंद रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। वैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और पूरा दिल्ली रेड जोन है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो हमें अपना घर में रहना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास चांस नहीं है। कुछ हम खरीद नहीं सकते, बाजार नहीं जा सकते, शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। आपके एरिया में क्या हाल है? आप कौन से एरिया में रहते हैं, रेड में, ग्रीन में, ऑरेंज में, जरूर बताइए कमेंट करके। तो आज की वीडियो के बारे में बताती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक शीन हॉल होने वाला है। ये मैंने बैक मार्च में खरीदा था सामान, मार्च में मुझे सारे पैकेट्स रिसीव हुए थे और अभी और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग हैं, बट अभी तक वो मुझे दे नहीं पाए हैं। मई आ गया है, बिल्कुल मई भी लास्ट चल रहा है और अभी तक नहीं मिले, क्योंकि हमारा एरिया रेड जोन में आता है, इसीलिए अभी डिलीवरी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। शीन की तरफ से मुझे मैसेज आते हैं, कन्वे हुआ है आज सुबह ही मैसेज। तो जितने प्रोडक्ट्स मुझे मार्च में मिल गए थे, ये बड़े टाइम से एक पेंडिंग हॉल चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिले हैं। आपको पता है कि मैं शीन पे जब भी देखती हूँ तो फ्लैश सेल में से ही खरीदती हूँ। फ्लैश सेल में आपको बिल्कुल हाफ रेट में मिल जाती है कोई भी चीज़ और अच्छा प्रोडक्ट होता है। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें धो के आपको मैं आफ्टर वॉश बता रही हूँ उसकी क्वालिटी कैसी निकली है, और जो बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। तो बने रहिए इसके इस हॉल के आखिर तक, आपको काफ़ी अच्छे आपकी पसंद के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं, फ्लैश सेल अभी भी ऑन होती है। अगर आप ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में रहते हैं तो आपके पास डिलीवरी पॉसिबल है, अगर आप रेड जोन में हैं तो आप मेरी तरह वेट ही कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी ये परचेजिंग की है सब फ्लैश सेल में से की है, और मैं आपको वन बाय वन करके पहले अपने टॉप्स वगैरह दिखाती हूँ जो मैंने टॉप खरीदे हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट टॉप है, ये वाला, ये क्रॉप टॉप है इस तरह से। ये मैंने आपको निया शर्मा वाले अपने लुक में दिखाया था, मैंने निया शर्मा की तरह एक साड़ी स्टाइल की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, उस साड़ी सीरीज में मैंने काफी सारे वीडियोज डाले थे। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो देखिए आपको अपनी पसंद का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा उसमें। चलो अब दिखाती हूँ मैं आपको ये टॉप कैसा है। ये क्रॉप टॉप है एक तरह से, और इस तरह की क्रॉप टॉप, मेरा टमी थोड़ा बाहर निकला हुआ है, मम्मी टमी है क्योंकि मेरा, तो अभी जो है वो ये क्रॉप टॉप मैं इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे जैसे टमी वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता ये हम पर, तो मैं इसे साड़ी के साथ पेयर करती हूँ और ये इतना गॉर्जियस लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, स्मार्ट लुक आता है, बिल्कुल ब्लाउज की तरह। ये देखिए, ये आगे से इस तरह से स्वीट हार्ट शेप है और पीछे से इस तरह से है ये, तो बिल्कुल ब्लाउज वाला फील आता है इसमें। और ये इस तरह से क्रिस क्रॉस पैटर्न का है, इसको हम फ्रंट में इस तरह से क्रिस क्रॉस करके पहन लेते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत अफोर्डेबल था, 200-300 के अराउंड था ये, और बहुत स्मार्ट लगता है ये। तो ऐसा एक क्रॉप टॉप, अगर आप चाहते हैं कि आप साड़ीज के साथ क्रॉप टॉप स्टाइल करें, तो ऐसा एक पीस आपके पास होना ही चाहिए। मेरे पास ऐसा रेड में था, वो मैं काफी बार आपको दिखा चुकी हूँ साड़ीज के साथ पेयर करके। अब मैंने एक ब्लू में भी लिया है ये वाला, क्योंकि ब्लू वाला भी बहुत वर्सेटाइल होता है और काफी सारी साड़ीज के साथ ये काम आ जाता है। तो ये था पहला पीस, आप मुझे जरूर बताइए आपको कैसा लगा। अब सेकंड पीस की तरफ चलते हैं। सेकंड भी टॉप है, जो ये वाला है येलो कलर का टॉप, इस तरह से ये कॉटन टॉप है, इसमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। इसको भी मैं एज टॉप भी यूज किया है और एज अ ब्लाउज भी यूज करती हूँ इसको मैं। क्रॉप टॉप है हालांकि ये, बट इसकी लेंथ इतनी होती है कि मेरी टमी नहीं दिखती है और काफी स्मार्ट लुक देता है ये, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पहन के फोटो हर एक टॉप की इसमें लगा दूंगी, अब चेक करना। बहुत स्मार्ट टॉप है ये और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिला था मुझे ये भी, मैंने ये भी फ्लैश सेल में से लिया था। ये बिल्कुल कॉटन लग रहा है और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, गर्मी नहीं लगती इसमें, इस तरह से ये टॉप है। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया ये टॉप, और इसी तरह के मैं कॉटन के और टॉप खरीदने की सोच रही हूँ। अब एक बार डिलीवरीज वो चालू कर दें रेड जोन में तो फिर मैं जरूर लूंगी। और ये है एल साइज, ये मैंने अभी वॉश नहीं किया है, एक दो बार पहना है, वॉश नहीं किया है,
बट जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेचेबल है और काफी अच्छी क्वालिटी का है। होपफुली इसके ऊपर बूर ना आए तो ये बहुत अच्छा पीस है, बहुत अच्छी पिक है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, थर्ड है ये, इस तरह से नियॉन टॉप है ये, वन शोल्डर टॉप आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो ये इस तरह से है। ये स्लीव है इसकी, वन स्लीव काफी लंबी है और इस तरह से क्रॉप टॉप है ये भी। ये भी साड़ीज के साथ बहुत ही स्मार्ट लगता है। आपको याद होगा मेरे पास एक ब्लैक और इसी नियॉन कलर की साड़ी है, उसके साथ अगर मैं ये पेयर करूं तो बहुत स्मार्ट सा लुक आता है। इस तरह से इसको पहन सकते हैं और उन दिनों के लिए जब आप थोड़ा सा अपनी स्किन शो करना चाहते हैं, कुछ ग्लैमरस सा पहनना चाहते हैं, बट साड़ी के साथ आप पेयर इसको करेंगे तो बहुत ही स्मार्ट लुक आता है, बहुत ही। अभी मैं आपको आने वाले अपने वीडियोस में दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा और कितना स्मार्ट लुक आता है। ये भी फ्लैश सेल में था, काफी पुराना है ये भी, तभी मैं इसके प्राइस आपको एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, बाकी ये मैंने सब फ्लैश सेल में से ही लिया है। इस तरह का टॉप है ये, 242-250 का अभी भी अवेलेबल है और आप ले सकते हैं इसको, शीन पे देख सकते हैं। आजकल नियॉन फिर से फैशन में आ गया है, बहुत ज्यादा फैशन में है और ये वाला कलर तो बहुत ज्यादा फैशन में है और बहुत स्मार्ट लगता है गर्मियों में, एकदम ये स्टैंड आउट होता है, एकदम बहुत स्मार्ट लगता है। ये प्रिटी सा टॉप है इस तरह से, ये देखिए। और इसका भी कपड़ा जो सिंथेटिक टाइप का होता है वो है, स्ट्रेचेबल है, फुली स्ट्रेचेबल है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये था थर्ड टॉप, अब नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको मैं। ये भी टॉप आपने काफी बार देखा होगा मेरे वीडियोस में, ये इस तरह से है, आगे से ये की होल टाइप का है और इसकी ब्लाउज जो इसकी स्लीव्स है वो मैश है, इस तरह से ये देखिए मैश स्लीव्स है। काफी स्मार्ट टॉप लगता है ये भी, आजकल मैश भी बहुत ज्यादा फैशन में आ गया फिर से ट्रेंड में, नियॉन्स और मैश, तो मैं जरूर ये ध्यान रखती हूँ कि इनमें से एक चीज मैं जरूर लूं। और इस तरह से ये भी एल साइज का है, इसका भी बंद गले का है ये भी, फुली कॉटन है ये। ये लॉन्ग टॉप है, ये शॉर्ट नहीं है, क्रॉप टॉप नहीं है, ये लॉन्ग टॉप है इस तरह से, ये देखिए प्लेन टॉप है बिल्कुल। और हॉजरी वाला कपड़ा है, इसको मैंने अभी वॉश नहीं किया है, पर वॉश करने के बाद आई डोंट थिंक कि इसके अंदर बूर आएंगे, बहुत अच्छा कपड़ा है, स्ट्रेचेबल है, फुली स्ट्रेचेबल और काफी कंफर्टेबल है गर्मियों में पहनने के लिए। तो इस तरह से ये है टॉप, ये भी आई गेस 300 समथिंग का था, तो बहुत स्मार्ट लगता है ये। साड़ीज के साथ मैंने पेयर किया था और जीन्स के साथ भी पेयर किया हुआ है, मैं आपके सामने पिक डाल दूंगी, आप पिक देख लीजिएगा और आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा लगता है, अगर आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने वो येलो वाला लिया था वैसे ही मैंने एक ये व्हाइट वाला टॉप लिया है। ये व्हाइट टॉप भी क्रॉप टॉप नहीं है, ये लंबा वाला टॉप है और काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये, बहुत स्मार्ट लगता है। गला इसका बंद है, आप इसको एज ए टॉप भी पहन सकते हैं, ये टॉप पहना हो और एक चोकर पहना हो सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का भी इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत स्मार्ट लगता है। अगर सिल्वर कलर का हैवी चोकर पहना हो इसके ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए इसकी जो स्लीव्स है वो हाफ स्लीव्स है और इस तरह से स्कैलप स्कूप्स बने हुए हैं, इस तरह से आइसक्रीम स्कूप्स जैसे होते हैं वैसे बने हुए हैं। ये देखिए ये मैंने वॉश किया हुआ है और अभी मैंने इसको लॉन्ड्री वाले कपड़ों में से ही निकाला था, काफी अच्छा है, देखिए बूर नहीं आए हैं और स्ट्रेचेबल है, गर्म नहीं है ये बिल्कुल भी और गर्मियों में आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। जीन्स के ऊपर पहनी है, स्कर्ट्स के ऊपर पहनी है, बहुत अच्छा टॉप लगता है ये। बहुत एक दो चीजें ये ऐसी हैं जो मस्ट हैव होती है, आप किसी भी बॉडी टाइप के हो, आप मेरी तरह पियर शेप हो या फिर आप बिल्कुल लीन एंड थिन हो, फिर भी आपके लिए ये बहुत स्मार्ट लगता है ये टॉप, इस तरह के जरूर होने चाहिए हर एक की वार्डरोब में। तो ये भी मुझे 200 या 300 के अराउंड मिला होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का है और अच्छा है, प्राइस वाइज भी अच्छा है, तो इसलिए कोई रिग्रेट नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने इस तरह का ये सनफ्लावर प्रिंट वाला लिया था टॉप, ये क्रॉप टॉप है, लंबा नहीं है और इसको पहनने के बाद टमी दिखता है,
ऐसे टॉप हाई वेस्टेड जीन्स के साथ, हाई वेस्टेड बॉटम्स के साथ बहुत ही स्मार्ट लगते हैं। अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऊंचा करके उसको पहन सकते हैं, मेरी वाली ट्रिक, और आपका टमी नहीं दिखेगा। और इस तरह के टॉप बहुत ही ज्यादा ऑसम लगते हैं, क्योंकि ये समरी टाइप का थोड़ा सा फील दे रहा है और बहुत ही ज्यादा हैप्पी सा कलर है। इसमें ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन है जो अल्टीमेटली बहुत ही स्मार्ट लगता है। इस तरह से ये डीप नेक नहीं है, राउंड नेक है, बहुत ही अच्छे इस तरह के टॉप लगते हैं। अगर आप इसको पहनेंगे साड़ी के साथ तो एकदम से अलग सा लुक आएगा, और साड़ी एकदम से बोरिंग सी साड़ी जो होगी आपकी प्लेन कलर की, तो वो भी बिल्कुल स्टैंड आउट करेगी। ये भी मुझे 200 अराउंड का ही मिला था, तो सही है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक पहले पहना था एक टॉप, काफी टाइम हो गया इसे, ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, कपड़े का बना हुआ है ये, और ये थोड़ा सा इसको रखा इस तरह से है कि ये मुस गया थोड़ा, तो ये है फ्लावर। तो ये टॉप है, ये देखिए रेड कलर का, ब्राइट रेड कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, और हाफ स्लीव्स का है, हॉजरी वाला कपड़ा है, और काफी अच्छा है ये टॉप। देखिए लॉन्ग टॉप है ये, कोई शॉर्ट टॉप नहीं है, तो इसको आप आराम से किसी भी जीन्स या फिर किसी भी स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं, काफी स्मार्ट लुक देता है। इस तरह से ये टॉप है, ये भी एल साइज में है। इस तरह का एक स्टेटमेंट पीस आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं और आप यू और आप चाहते हैं कि आप ज्यादा ड्रेसअप ना लगे, तो इस तरह के टॉप पहनिए और एक बढ़िया सा बॉटम पहन लीजिए या स्कर्ट पहन लीजिए, बहुत स्मार्ट लगता है, आप ही उसमें नजर आएंगे पार्टी में, क्योंकि ये स्टेटमेंट पीसेस होते हैं, ये जब भी मिलते हैं तो काफी अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा महंगा था, ये 600 अराउंड का था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉप है कुछ इस तरह का, ये ऑफ शोल्डर टॉप है और क्रॉप टॉप है, ये छोटा सा टॉप है और पर ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है। मैंने इसको स्कर्ट के साथ पेयर किया था और काफी अच्छा लग रहा था ये उसके साथ। अगर आपने बोला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस बहुत कुछ मिस कर रहे हैं कि आप अपनी स्कर्ट्स को और कैसे अपनी टॉप्स को स्टाइल कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट मैंने तरीके बताए हैं उसमें, काफी अच्छा वीडियो है, आप प्लीज उसको चेकआउट कीजिए, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। और उसमें भी ये वाला मैंने टॉप पहना था, व्हाइट कलर की स्कर्ट के साथ ही पहना था, और इट वॉज लुकिंग डैम सो क्यूट, बहुत प्यारा लग रहा था। इसके आगे इस तरह का ये क्लोजर दिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये क्लोजर दिया हुआ है, और आप अब आराम से इसको क्लोज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी प्लंजिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं गिर रहा है ये, और काफी अच्छा बॉडी हगिंग पीस है। जैसे मेरा तो पियर शेप है, ऊपर से तो मैं इतनी ब्रॉड नहीं हूँ जितना नीचे से मेरा टमी निकला हुआ है, तो इसलिए मेरे ऊपर ये काफी स्मार्ट लग रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा था और शोल्डर पे बिल्कुल इसी तरह से इंटैक्ट था। आपको बार बार इसको नीचे करने की या ऊपर करने की दिक्कत नहीं, जहां पर आपने रखा हुआ है इसको ये वहीं पर रहेगा, और काफी स्मार्ट पीस है। इलास्टिक भी इसका टाइट नहीं है ज्यादा, और ज्यादा ढीला भी नहीं है, नहीं अगर ज्यादा टाइट होता है तो फिर आपको यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं या फिर आपको इरिटेशन और इचिंग होती है, बट इसमें वो वाला कुछ कोई मैटर नहीं है, और काफी कंफर्टेबल है। ये कॉटन का टॉप है, बहुत अच्छा और बहुत प्रिटी सा हैप्पी सा कलर है। इसके साथ अगर आप कोई लेदर की स्कर्ट पहनते हैं ब्राउन कलर की लॉन्ग, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टैंड आउट करेगा और एकदम जिप्सी और बोहो जैसा फील देगा, जो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में है। तो अगर आप इस तरह का कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने ये वाला एक टॉप लिया है ब्लू कलर का, इस तरह से है ये, ये रॉयल ब्लू कलर है और इसका वी नेक है, ये भी एल साइज में है इस तरह से, ये देखिए ये भी क्रॉप टॉप है और साड़ीज के साथ ये बहुत ही प्यारा लगता है, फुल स्लीव्स का टॉप है, बट ये हॉजरी वाला कपड़ा है और काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, गर्मी नहीं लगती इसमें, बहुत स्मार्ट लगता है। देखिए इस तरह से आप ये वाला टॉप पहनिए, साड़ी पहनिए और एक बड़ा सा चोकर पहन लीजिए, माय गॉड बहुत ही ज्यादा ऑसम और स्टाइलिश लगेगा ये टॉप, बहुत प्यारा लगता है। इस तरह की पीसेस मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मैं इसको साड़ीज के साथ स्टाइल कर सकूं, और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि साड़ी के साथ, रेगुलर ब्लाउज के साथ तो इतने अच्छे नहीं लगते हैं जितनी साड़ीज टॉप के साथ अच्छी लगती हैं। तो आप भी जरूर क्रॉप टॉप में इन्वेस्ट कीजिए।
नेक्स्ट फ्रेंड्स ये वाला है टॉप, ये लेदर का है, फॉर लेदर का है ये, इस तरह से, और फुल स्लीव्स है। इसको भी मैंने एज अ टॉप ही पहनने के लिए, साड़ी के साथ बहुत अच्छा लगेगा उसके साथ लिया, पर मेरे पास लेदर की स्कर्ट भी है तो मैं उसके साथ भी इसको पेयर कर सकती हूँ। ये वन पीस ड्रेस लगेगी और काफी स्मार्ट लुक देगा। ये लॉन्ग टॉप है, शॉर्ट टॉप नहीं है, ये लॉन्ग है और काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, सर्दियों में पहनने लायक ही है। ऑफकोर्स गर्मियों में तो इट विल किल यू। फुल स्लीव्स है और लेदर का टॉप है। इस तरह के पीसेस बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं शीन पे, तो आप अगर चाहते हैं तो अलग अलग कलर्स में इसको ले सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो थे फ्रेंड्स टॉप्स। अब टॉप्स खत्म हो गए हैं जो नए थे, अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने स्कर्ट्स कौन सी ली है। ये स्कर्ट देखिए, इस तरह की ए लाइन स्कर्ट है और ये मिलिट्री ग्रीन या ऑलिव ग्रीन कह सकते हैं, इस कलर की है। नी लेंथ की स्कर्ट है ये, काफी अच्छी लगती है, नी लेंथ से थोड़ा सा नीचे आती है नी से, और काफी स्मार्ट लुक देती है ये वाली। गर्मियों के लिए मस्ट हैव है ये, आप आराम से इसको कैरी कर सकते हैं ऑफिस में, कॉलेज में, या आप कहीं भी जा रहे हैं तो आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट पीस है ये, भी मैंने फ्लैश सेल में से लिया था अराउंड 300 समथिंग, बट इट्स अ वेरी गुड डील, और एल साइज है, प्योर कॉटन तो नहीं कह सकते हम, हौजरी वाला कपड़ा है और गर्मियों के लिए परफेक्ट है ये। तो ये थी फर्स्ट स्कर्ट, अब सेकंड दिखाती हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरह से है और ये लॉन्ग स्कर्ट है, मिडी स्कर्ट जिसे बोलते हैं, बिलो नी लेंथ है ये और काफी स्मार्ट लगती है। ये चेन प्रिंट है इसका, ये भी मैंने फ्लैश सेल में से ली थी, बहुत अच्छी लगती है, कंफर्टेबल रहता है ऐसा पीस अगर आप गर्मियों में पहनते हैं तो, एकदम सोफेस्टिकेटेड सा स्टाइलिश सा लुक आता है आपका और बहुत स्मार्ट लगता है। इसको आप व्हाइट टॉप के साथ, ब्लैक टॉप के साथ, येलो के साथ, किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं, इट विल लुक ऑसम एंड इक्वली गुड, बहुत स्मार्ट पीस है, गर्मियों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैंने दो ड्रेसेस ली थी, ये भी ए लाइन ड्रेसेस ही हैं, इस तरह से, बस्ट एरिया तक इसमें नेट लगा हुआ है, नेट इज ऑफ गुड क्वालिटी एंड इट्स नॉट एट ऑल इरिटेटिंग और सॉर्ट ऑफ, इट कैन बी वोन इन समर्स ऑल्सो एंड बहुत अच्छा और कम्फर्टेबल है ये, बस्ट एरिया तक इसमें लगा हुआ है नेट। उसके बाद आप ये वाला व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट कलर की ये ड्रेस है, ये भी मिडी ड्रेस है, बिलो नहीं है और बहुत स्मार्ट लगती है, अच्छा लगता है इसमें सारा पूरा लुक आपका बहुत प्यारा लगेगा। अगर आप समर्स में पहन रहे हैं तो इस तरह के व्हाइट क्लोथ्स बहुत कंफर्टेबल और सूदिंग होते हैं। साथ में मैं आपको इसका कपड़ा दिखाना चाहूंगी, देखिए ये है इसका कपड़ा, एकदम बिल्कुल जैसे जेंट्स की वेस्ट होती है उस टाइप का कपड़ा है और बहुत ही ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, बिल्कुल हार्श नहीं है, गर्मी नहीं लगेगी इसमें आपको और बहुत कंफर्टेबल है, समर्स के पर्पज का ही है ये, आप समर्स में इसको आराम से कैरी कर सकते हैं, इस तरह से है ये भी मैंने 400 समथिंग की ली थी और आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा कुछ मिल सकता है 400 में, पूरी ड्रेस मिल रही है आपको और वो भी ए लाइन है, ये भी एल साइज की है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने येलो कलर की भी एक ऐसी ही ड्रेस ली थी, ये भी। तो फ्रेंड्स इस तरह की ये टॉप ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगती हैं गर्मियों में, और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं तो इस तरह की ड्रेसेस आप कैरी कर सकते हैं आराम से, स्नीकर्स पहनिए और बस आप बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे इसमें, और कलर भी इतना हैप्पी हैप्पी सा है, बहुत प्यारा लगता है ये वाला कलर गर्मियों में तो स्पेशली बहुत स्मार्ट लगता है। इस कलर का मेरे पास एक कुर्ती भी है और मैंने आपको वो दिखाई हुई है, वो श्रक के साथ आई थी, काफी अच्छी वो भी लगती है, और यही वाला कलर मैंने लिया इसलिए ज्यादा जरूरी स्पेशली यही वाला कलर लिया है क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये कलर। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और आप बताइए आप और क्या देखना चाहते हैं। मैं हमेशा नए कंटेंट को लेके आती हूँ, हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ नया दिखा सकूँ हमेशा। अगर आप नहीं देख रहे हैं मेरे वीडियोस तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर आप नए फैशन में और नए वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि मैं हर ऑल्टरनेट डेज पे वीडियो अपलोड करती हूँ। और आप बने रहिए मेरे साथ स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।